everyone, welcome back KG2. Today in this class of your English, we are going to learn E sound words. What we are going to learn? E sound words. Okay. Now, as you are seeing here in the board, but what can you see here? See here, there are small loudspeakers. What are these? These are small loudspeakers. And do you know why I have drawn these loudspeakers? ये loudspeakers मैंने क्यों बनाए हैं? I have made them because these are the loudspeakers of every letter in English alphabet. ये English alphabet के loudspeakers हैं. And loudspeaker से क्या आता है? Yes, we listen to the sound. We hear the sound that is coming out from the loudspeaker. Now let us see that what sound is coming out of these loudspeakers. Okay, as in your previous class also we have learned about the sound of alphabet. Okay, A से लेके Z तक का जो भी sound है वो हम पहले अपनी पहले class में पढ़ चुके हैं. And now we are going to repeat the same and we are going to advance as E sound words. Okay, now I'm going to write letters और आपको ये बताना है कि उस letter का जो है वो sound क्या होगा. Okay, now see I'm writing here observe it carefully as it is letter A. लेकिन आपको अभी क्या है letter नहीं बताना है, आपको उसका सिर्फ sound बताना है मुझे. ओके okay. ब क ड One more time. A B K D A F. Now next is G H J K L. Repeat it. G H I J K L. We
Okay, now these were the 26 sounds of your English alphabet. Now what we are going to learn, we are going to learn the E sound words. E sound words. Now, अभी जो मैम ने आपको बताया वो सिंगल लेटर का क्या क्या साउंड होता है, दैट आई हैव टोल्ड यू. अभी आपको मैं बताऊंगी कि अगर किसी भी लेटर में ई आएगा, किसी भी लेटर में ई आएगा तो वो लेटर के साउंड जो है ना थोड़ा चेंज हो जाएगा. ओके, वो लेटर के साउंड में चेंज हो जाएगा बिकॉज ई इज अ वोवेल. ई इज अ वोवेल. नाउ मैडम इज गोइंग टू शो यू दैट अगर ई किसी भी लेटर में लगेगा तो वो क्या बनेगा. ओके, नाउ सी, बी सेज ब, बी सेज ब, लेकिन अगर हम बी और ई को एक साथ लिखते हैं तो इट बिकम्स बे. ब ए बे, बिकॉज ई सेज ए, ई सेज ए. ब ए बे. लाइकवाइज क here, I have put one dot here. हर लेटर के नीचे मैंने एक डॉट डाला है. वो डॉट इसलिए डाला है सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि हमको कैसे रीडिंग करना है. ब ए बे, ब ए बे, क ए के, ड ए डे. Advances as A. Okay. Now I will give you any random letter and you have to tell me that agar B or A B hota hai, D or A D hota hai, F or A F hota hai, to T and A kya hoga? T A T, T A T. R R A R R A R P A P P A P. Likewise K A K K A K. H A H H A H. J A J, J A J. L A L, L A L. M A M, M A M.
every letter has a sound. Every letter has a sound. हर लेटर का एक साउंड होता है और उस लेटर के साथ जब एक साउंड का ब्लेंडिंग होता है, जब वो ब्लेंड होता है, मिक्स होता है, तो इट बिकम्स ट ए, टे, र ए, रे, प ए, पे, क ए, के, ह ए, हे, ज ए, जे, ल ए, ले, म ए, मे, न ए, ने. ओके, एंड रिमेंबर दैट ई इज अ शॉर्ट साउंड. ई हैज अ शॉर्ट साउंड. जल्दी से बोलना उसको, ए ए ए ए. अगेन, ट ए, टे, र ए, रे, प ए, पे, क ए, के, ह ए, हे, ज ए, जे, ल ए, ले, म ए, मे, न ए, ने. ओके, लेट अस सी सम मोर लेटर्स. ड ए, डे, ग ए, गे, फ ए, फे, ब ए, बे, स ए, से, व ए, वे. स्टूडेंट्स लुक हियर दैट मैडम इसे डी ई डे नहीं रीड कर रही है. मैडम इज रीडिंग ड ए डे. दैट मीन्स यू हैव टू प्रोनाउंस, यू हैव टू टेक आउट द साउंड्स दैट द लेटर हैज. लेटर का जो साउंड है उसी की हेल्प से हमें रीडिंग करना है. ओके, लेटर का नाम क्या है वो रीड आउट नहीं करना है. वी हैव टू से ड ए डे, ग ए गे, ह ए हे, स ए से, ल ए ले, म ए मे, प ए पे, व ए वे, ग ए गे, ब ए बे. ओके, एंड लाइक वाइज. ओके, सो दीज वेयर द ब्लेंडिंग ऑफ ई साउंड. जब किसी लेटर में ई ब्लेंड होता है तो उसका क्या साउंड, न्यू जो बनता है प्रोनाउंसिएशन वो क्या बनता है, दैट वी हैव लर्न दैट ई हैज अ साउंड ए. ई हैज अ साउंड ए, और ई जिसमें भी होता है उस लेटर के साथ है, एक ए साउंड जुड़ जाता है. ओके, एक ए साउंड जुड़ जाता है. एक ई हैज अ शॉर्ट साउंड. ई हैज अ शॉर्ट साउंड. जल्दी से बोलना है. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स जिसमें ए आता है. आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स जिसमें ए आता है, एंड यू हैव टू टेल मी what is this. This is a pen. Pe, pen, pe. तो ए साउंड आया ना, प के बाद जैसे ए साउंड आया. Pen has a ए sound. Hen has a ए sound. Leg has a ए sound. Pig has a ए sound. Bed, red, jet, pet, net, den, ten, bell, well, belt, nest, web, egg, tent. These all words have a sound. These all words have a sound. So here in this class, what we have learnt about till now, we have learnt about the e sound words. कि जब किसी भी लेटर में ई साउंड की ब्लेंडिंग होगी तो उसका नया जो साउंड है वो क्या प्रोड्यूस होगा. ओके, एंड वी लर्न दैट ई सेज ए. ई सेज ए. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द पिक्चर्स एंड यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट पिक्चर्स आर दोज.
वो पिक्चर्स क्या है, यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली हियर ऑन द स्क्रीन. नाउ सी हियर, एज यू आर लुकिंग सम पिक्चर्स, वॉट इज दिस, वॉट इज दिस, दिस इज अ पेन, 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 दिस इज अ पेन, एंड हाउ वी विल राइट इट, कैन यू लुक एट द पिक्चर्स, इज इट विजिबल टू यू, पेन, पेन, इट हैज अ साउंड प, ए, न, पेन, प, ए, न, पेन, these dots are according to the sound. ये डॉट क्या बता रहा है आपको कि आपको इसको कैसे रीड करना है. ओके, आप इसे तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे रीड करेंगे. ओके, इन स्मॉल सेगमेंट्स यू हैव टू रीड इट, प ए न पेन, प ए न पेन. लाइकवाइज द नेक्स्ट पिक्चर, विच इज द नेक्स्ट पिक्चर हियर, दिस वन, दिस इज अ hen, hen, hen has a e sound, e, he says e. Now let me write h, h, h. Next is, if this picture is not visible to you, let me draw here. What is this? This is a leg. This is a leg. And leg also has a e sound. Which sound? E. अच्छा मैम, बार बार ऐसे क्यों कर रही है? मैडम ने बोला ई हैज अ ए साउंड. डू यू नो द रीजन बिहाइंड व्हाई आई एम डूइंग दिस? ओके, व्हेनेवर वी क्रैक एग, सो हाउ डज अ एग क्रैक्स, ई फॉर एग, और एग ऐसे क्रैक होता है, इसीलिए इसका जो एक्शन है, साउंड का जो एक्शन है वो ऐसा है. ओके, जैसे एग क्रैक होता है, this is a, so e has a e sound, e has a e sound, this is leg, leg, l, e, g, l, e, g, leg, l, e, g, leg. Now the next picture is, this is a pig, this is a pig, where it is used, ये pig कहाँ use होता है? Clothes line में, जब हम कपड़े wash करके उसको dry करने के लिए clothes line पे डालते हैं तो we क्या करते हैं, उसे pig से fix करते हैं. So this is the pig, and let us do it orally. That peg has a p e g, p e g, p e g. It has three letters, that is p e g, p e g. P, E, G, pig. Now, the next is,
next picture is a picture of the place, the furniture where you sleep, जिस पर आप सोते हैं उसे क्या कहते हैं, और you lay down, जिस पर हम लेटते हैं या सोते हैं, that furniture is called a bed, b a d bed. तो हम कैसे लिखेंगे सब, first of all we will write b, b before bat, b a t, b a t, b a t bet, b a, sorry this was not t, this was d, b a d bed, b a d bed, b a d bed. The next picture is, can you see the color here, which color is it? This is color red, red. D, red, r, a, r, e, d, red. R, e, d, red. R, e, d, red. Next picture is a jet. Jet. It is an aeroplane. And it is a jet aeroplane. Okay. And if I say jet has a short e sound, jaldi se a hota hai jet mein. So what will be the spelling? First of all, do it with action. Then we will write it and read it. Okay. J, J, A. J A T, jet, and it will be J. Remember that आप कभी भी reading और writing करेंगे तो अब letters आपको read out नहीं करना है. You have to read out the sound that the letter produces. जो लेटर जो साउंड प्रोड्यूस करता है उस साउंड को आपको रीड आउट करना है, दैट यू हैव टू स्पीक आउट. ओके, लेटर्स को आप स्पीक नहीं करेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पर जे लिखा है ना, तो यू हैव टू से इट ज, हैव टू से इट ज. ये लेटर जे है, लेकिन जब हम लिखेंगे, जब हम पढ़ेंगे, तो वी विल रीड आउट इट एज ज, ज jet, j a t jet, j a t jet. E has a short sound, a, a. तो जल्दी से उसको बोलना है, a, j a t jet. Now likewise the next is a, although it is a cat, ये cat है, लेकिन the animals that we keep at home as our family member, जो animals को हम अपने family member की तरह रखते हैं, do you know what are those? That those animals are called pet animals. Those animals are called pet. Okay, so it will be pet. Pet, pet. Likewise, the next picture is can you see the picture here? This is the picture of a net. Net, net means jali. Net means jali. And the spelling is
N E T Net. N E T Net. N E T Net. N E T Net. And remember that you have to read it. साउंड वाइज आप रीड करेंगे, साउंड वाइज आप राइट करेंगे एंड साउंड वाइज ही आपको लर्न करना है. सो एज आई हैव रिटन हियर 9 वर्ड्स वी विल लर्न द सेम. इसको कैसे आपको लर्न करना है, ओके, यू हैव टू लर्न इट एज पीई एंड पेन नहीं बोलेंगे इसको, ओके, ऑल्दो इट इज पीई एंड पेन, लेकिन जब हम लर्न करेंगे तो हम साउंड की हेल्प से लर्न करेंगे, ओके, और इसे समझने के लिए भी हमको साउंड को ही समझना जरूरी है. प ए न पेन, प ए न पेन, प ए न पेन. ह ए न हेन, ह ए न हेन. ल ए ग लेग, ल ए ग लेग. प ए ग पेग, प ए ग peg. B e d bed, b e d bed. R e d red, r e d red. J e t jet, j e t jet. P e t pet, p e t pet. N e t net, n e t net. Now next is, next picture is, which is this picture? This is a place where a lion lives. ये वो place है जहाँ पर lion रहता है. जैसे हमारे घर का, घर को हम house कहते हैं, okay? जो bird रहती है उसे, उस जगह को हम, उसके घर को हम nest कहते हैं, okay? Likewise, it is a den. D e n den. D 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 a a a a m m d a m den, d a m den, d a m den. And which number is this? This is 1 0 10. 1 0 10. T e m ten. T e m ten. T e m ten. Now next is, this is a well. This is a well. This is a well. V v e l well. W e l well. Remember that this word well has a double l. इसमें दो l आता है. W e l well. And this is a nest. This is a nest where a bird lives. Now this is the word that has four sounds. That has four sounds. Nest. N e s t. Nest. Okay.
although madam has told you ki aapko sound ko बोल कर रीड आउट करना है, साउंड को बोल कर लिखना है. रीडिंग और राइटिंग जो आपकी होगी वो साउंड को बोल कर होगी. लेकिन इफ सपोज समबडी आस्क यू कि टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेन, ओके व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेन, देन यू हैव टू से दैट पेन. पेन हम कैसे लिखेंगे, PEN, पेन, PEN, पेन. जब आपको कोई पूछेगा then you have to say PEN pen, DEN den, TEN ten, NEST nest. But जब आप reading and writing करेंगे तो आपको इसको एक एक sound को छोटे छोटे parts में read out करना है. D E N den, T E N ten, W E N well, N nest, nest, nest. Okay. Likewise, here are few more pictures. This is a belt. This is a belt. B, a, l, t, belt. B. To belt. Next is a tent. T says t a m t t a m t. Tent. So these were all E sound words and letters. These all were E sound words and letters. And let me tell you how you have to write in your notebook. आपको notebook में कैसे लिखना है? Okay.